रेहान भाई। सुनाई दे रहा? हाँ मोमिन है। जी, हाँ फुल क्वार्टर स्वाद नहीं अनुसार। पहले तो जी, सुनिए मुझे पहले। चलो ये रिलीजन तो चलो सही है, इसको जो फॉलो करना है करे। मेरे को पहले बस आप लोगों से 3 ही क्वेश्चन पूछना है, अरे जवाब दे पहले ये देंगे। फुल कंफर्म करो, हाँ फुल क्वार्टर किस तरीके के मोमिन हो? फुल 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 सर, फुल मोमिन है। अच्छा कोई सूरा सुना सकते हो? पर मेरे को बस 3 क्वेश्चन पूछना है आपसे। पहले सूरा सुना दो। मैं सुना दूंगा, टेंशन मत लो। अलिफ लाम सुना दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ सुना अलिफ लाम दूंगा। सुना दो। अलिफ लाम मिम ज़ालिकल किताबुल रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गाइब व युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम। तो ये चलो बात के बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं बस आपसे 3 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या आप बता दोगे मेरे को? नहीं पहले आप ये बताइए कि ये जो अलिफ लाम जी मीम आपने पढ़ा है इसका क्या मतलब है? आप मेरे को, अरे यार आप लोग यहाँ इंटरप्रिटेशन कर रहे हो ना, अगर आप मेरे को कुछ इस्लाम को सही समझाना समझते है। हैं रेहान? क्या आप हाँ, इस्लाम को जरूर सही सही समझते? समझते हैं जी। हाँ तो जी अलिफ जी लाम जी मीम का मतलब बताओ। आपने सूरा पढ़ी अलिफ लाम मीम जालिकल मेरे किताबु को ला रैब सुनो आप, फीह हुदल लिल मुत्तकीन। भाई मेरे, मैं आपको सब बता दूंगा। अगर मेरे को आता है तो मैं जरूर बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, अगर नहीं आता वो भी हाँ तो बताऊंगा। क्या है पर इसका मेरे को मतलब? आप, मेरे को बस आपसे 3 क्वेश्चन पूछना है, वो अगर तीन आपके क्वेश्चन हो पहले सके तो। आप ये सी अलिफ लाम मीम सी सुनो सी रेहान सी, सी रेहान मेरे भाई रेहान सी, रेहान। आप सबसे पहले तो यू आप जस्ट लोगों वॉन्ट टू को प्रूव योर, अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाने सीखने आना पड़ेगा। तुम लोग यहाँ ब्रेक फेल लेके आते हो कभी भी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम लोगों का ये है। आपके 3 सवाल के मैं जवाब दूंगा, मैं ये वादा करता हूं। पहले मुझे अलिफ लाम मीम का मतलब बताओ। आई डोंट नो द व्हाट द मीनिंग। अच्छा आपको नहीं पता है? किसको पता है? जी मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता है तो किसको पता ये है? आई डोंट अंडरस्टैंड अरबिक, सो आई डोंट नो द मीनिंग। कभी यू कैन गूगल ट्रांसलेशन इट। कभी? अरे रुक रे मेरे भाई, कभी ट्रांसलेशन पढ़ा है कुरान का? नो आई नेवर ट्राइड। अभी तुमने ये दावा किया था कि इस्लाम सच्चा है, क्या किया था तुमने? ब्रो यू आर जस्ट आस्किंग योर क्वेश्चन, कैन यू लिसन मी? व्हाट द मैं फक आर यू तुम्हारे डूइंग हियर 3 सवाल का ब्रो? जवाब यू दूंगा गाइस जब आर ये ब्रो, मेरा रेहान, मैं तुम्हारे कैन यू तीन जस्ट गिव सवाल मी अ का जवाब। सेकेंड? कैन यू ब्रो लिसन, आई हैव ऑलरेडी कमिटेड, आई विल आंसर योर 3 क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट दैट। लेट्स कंप्लीट दिस डिस्कशन फर्स्ट, ओके? डोंट ओके माय ब्रदर, नो वरी, आई विल आंसर यू प्रॉब्लम। ब्रो। टेल मी वन थिंग, आपने अभी ये दावा किया कि इस्लाम सच्चा है, आपको अलिफ लाम मीम का माना नहीं पता है, राइट? आई डोंट आपने कभी कुरान को ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ा है, नो, आई नेवर रीड विद ट्रांसलेशन, आई रीड विद तो द हाउ यू ओरिजिनल लिटरल। क्लेम दैट इस्लाम इज द ट्रू रिलीजन व्हेन यू हैव नॉट रेड द बेसिक बुक? ब्रो डू यू नो व्हाट इज बिलीव इज? आई बिलीव व्हाट ऑन इज द दैट, बिलीफ? सो आई व्हाट बिलीफ रिस्पेक्ट योर बिलीव। ब्रो कैन यू ब्रो? लिस्ट, तुम क्या कहते हो ब्रो? हमें कोई ब्रेक नहीं है, तुम्हें खुद को भी ब्रेक लगा लो मेरी जान। ओके ब्रो, यस ब्रो, सो व्हाट इज या बिलीफ? तुम्हें जो बिलीव है, यू बिलीव देयर इज मे बी नो गॉड, आई बिलीव देयर इज गॉड। आई एम नॉट ओके आई टॉकिंग बिलीव अबाउट इन, गॉड ब्रो, सी आई एम लिसन, एक्सप्लेनिंग द बिलीव, व्हाट इज द आई मीनिंग ऑफ डोंट बिलीव, आई एम वॉन्ट टू एक्सप्लेनिंग टू डिस्कस यू। अबाउट गॉड। टेल मी वन थिंग, यू हैव नॉट रेड कुरान, हाउ डिड यू क्लेम दैट दिस इज द ट्रू रिलीजन? ओके इफ यू वांट टू प्रूव मी रॉन्ग, जस्ट गिव नो मी आंसर ऑन टू थ्री क्वेश्चंस। इट डजंट वर्क लाइक दैट। दैट प्रूव मी रॉन्ग। ऑन वॉट बेसिस डिड यू क्लेम दैट इस्लाम इज द ट्रू रिलीजन व्हेन यू हैव नॉट रेड द कुरान? ऑन वॉट ओके बेसिस? जस्ट ऑन, आंसर मी दिस। यू वांट टू नो व्हाट बेसिस आई जस्ट बिलीव दैट इस्लाम इज अ गुड या रिलीजन? या बिकॉज आई बिलीव इन दैट व्हाट यू whatever बिलीव? the thing that, bro सो just listen me, यू बिलीव listen विदाउट प्रूफ? whatever, wait listen me, तुम यार खुद को ब्रेक लगा लो, या तो फिर तुम्हें बोलना है तुम बोलो, या तो फिर मुझे बोलना है मैं ना आंसर द बोलूं। क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग, डोंट गिव मी या स्टोरीज। बिकॉज
वेट बिकॉज आई बिलीव इट शोज मी द राइट पाथ टू अच्छा, बहुत से वेट. लोग बोल रहे हैं कि हिंदी में बात करो क्योंकि कई सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी ओके आती है आपको? ओके जरूर आता मेरे भाई. तुम लोग यहाँ पे इंग्लिश बोल रहे थे ना, जरूर नीचे आता कुछ है। बता रहे थे तो ओके, ये बताओ कि नहीं. तुमने कुरान पढ़ा नहीं है, तुमने कुरान पढ़ा नहीं है। हाँ परा है नॉट विद ट्रांसलेशन. ओके, तो ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ा है, मतलब यू डोंट, आपको ये पता नहीं है कि उसमें क्या लिखा है, राइट? यस राइट right. अच्छा, कितना पढ़े यस लिखे हैं आप? मी या क्या? प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी राइट नाउ. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. क्या? यस क्या? सो कैन यू गिव मी आंसर ऑफ दिस थ्री एक मिनट एक मिनट क्वेश्चन? एक मिनट एक मिनट, रुको रुको गाइस, आप लोगों ने वही सुना जो मैंने सुना है। उसने सुना. ओके, अभी ये बता भाई, तूने ये चीज कंफर्म की कि तूने कुरान को कभी ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा ही नहीं है, तो आपको ये पता ही नहीं है कि कुरान में क्या लिखा है। मुझे बताओ कि किस बेसिस पे आप इसको फिर सही किताब या खुदा की तरफ से किताब मानते हो, जब आपने उसमें क्या लिखा है पढ़ा ही नहीं है। तुमने मुझे पूछा था व्हाट इज द अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है, ठीक है? तुम्हें मैंने बताया कि मेरा मुझे उसका मतलब नहीं पता वो, क्योंकि मुझे अरबी समझ नहीं आती है. ठीक है अच्छा हाँ, ठीक है. फिर मैंने ये उसके बाद पूछा कि मैंने क्या कुरान आपने तुम्हारा नहीं ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा है। तुम्हारा तुम्हारा पहला क्वेश्चन बस वही था कि ये पता है कि नहीं पता. मैंने बोला नहीं पता. मेरे तीन हाँ, तो क्वेश्चन थे कुरान, जवाब के लिए अरे मेरे भाई. रेहान रेहान रेहान, मैं सुन ले. मैं यहाँ पे तेरे मतलब से ना तुम्हारे मजाक पास पे कोई बात कर जवाब नहीं है कि तुम बिना पढ़े हुए एक किताब को खुदा की किताब कैसे मान सकते हो? तुम्हारा इसके पास, तुम्हारे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट? ओके गिव मी अ सेकंड. अगर सोचो 10 मिनट के लिए रिलीजन को साइड में रखो. मैं जो तीन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मेरे को जवाब देने दे मैं मेरे भाई. तीन क्वेश्चन तब तक नहीं लूंगा जब तक मैं कोई एक कंक्लूजन पे आ जाऊं कि तुम एक अंधविश्वासी हो। अगर आप मान लेते हो कि मैं अंधविश्वासी हूं, देन यू कैन आस्क द थ्री क्वेश्चंस। तुम मेरे ये तीन क्वेश्चन पूछने के बाद तुम्हें अगर लगे कि मैं नहीं, अंधविश्वासी हूं, मैं आपके तुम्हें तीन भाई क्वेश्चन मेरे की, आई रेहान, आई एम प्रॉमिसिंग यू, मैं तुम्हारे तीनों तो क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, आई विल आंसर योर थ्री क्वेश्चंस। लेकिन दिस क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट. मैं बस वो डिफिकल्ट आप लोगों हो, ने जो आज बताया. सुन रेहान, रेहान सुन प्लीज, लेट डोंट लेट मी रिपीट सेम थिंग अगेन एंड अगेन। लास्ट टाइम आई एम टेलिंग, आपके तीन क्वेश्चन आसान हो, मुश्किल हो, किसी भी लेवल का हो, मैं तीन क्वेश्चन आपके आंसर करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे इस कंक्लूजन पे आना है और लोगों को जानना है, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये जो आपने कहा है कि आपने एक किताब को पढ़ी भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है, इसके बावजूद आप उसको खुदा की किताब मान रहे हो, वो किस बुनियाद पे है? क्या आप एक अंधविश्वासी है? अगर आप ये मान लेते हैं कि आप एक अंधविश्वासी है, तो हमारा डिस्कशन खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर आप अपने तीन सवाल कर सकते हो, या आप चले जाओ। अगर मैं कहूं कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, तो अगर अगर आप मैं कहूं, अंधविश्वासी नहीं वेट हैं, वेट 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 ब्रो मेरे को भी सुन लो. अगर मैं हाँ, कहूं कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूं तो आप मेरे को बिलीव कहूं नहीं नहीं, करोगे? एक्चुअली क्या अगर है वो मैं बता। रेहान नहीं रेहान, हूं मेरे भाई, मैं नहीं अच्छा हूं. नहीं है, आर यू श्योर नहीं है? एक मिनट रुक, मैं हथियार लेके आता हूं जरूर तेरे सामने मेरा। ओके लेट्स स्टार्ट। आपने कहा, मैंने सबसे पहले सवाल आपसे ये किया, अलिफ लाम मीम, इसका देखो मतलब मेरे भाई, अगर तेरा दम अलिफ होगा ना तो लाम। मेरे तीन क्वेश्चन को देके जाएगा आंसर. अगर तेरा दम होगा, आई चैलेंज हाँ यू ब्रो. इफ यू हैव वेट, ब्रो गट्स यू विल टेक माय माउथ थ्री बंद, क्वेश्चंस. ठीक है, तेरा दम हो. रुक जा थोड़ा, सबर कर। मैंने आपसे ये पूछा, अलिफ लाम मीम, इसका मतलब बताओ। आपने कहा मुझे नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा, क्या आपने कुरान पढ़ी है? आपने कहा ट्रांसलेशन के साथ। आपने कहा नहीं पढ़ी है।
आपने ये भी कहा आप यूपीएससी के लिए ट्राई कर रहे हो, मैंने आपसे ये पूछा कि जब आपने कुरान समझ के पढ़ी ही नहीं तो आपने इसको खुदा की किताब कैसे मानी, ये सवाल था। इस पे आपके पास जवाब नहीं था। मैंने पूछा आपको क्या आप अंधविश्वासी होकर इसको खुदा की किताब मान रहे हो, आपने कहा मैं अंधविश्वासी नहीं हूं। अभी आपको मैं अनम्यूट करूंगा। अगर आप अंधविश्वासी नहीं है फिर इसको बिना पढ़े बिना समझे खुदा की किताब कैसे मान रहे हो, प्लीज एक्सप्लेन। अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ भाई, मैंने जब आया था तेरे को क्या बोला था कि आई एम नॉट हियर टू डिस्कस अबाउट रिलीजन, आई एम जस्ट हियर टू आस्क यू थ्री क्वेश्चंस। वन वे डिस्कशन नहीं होता मेरे भाई। अभी आपने ये कहा था रेहान कि आप अंधविश्वासी नहीं हैं। जी नहीं हूं। हाँ, अगर अंधविश्वासी नहीं है तो आप इसको बिना पढ़े बिना समझे खुदा की तरफ से एक किताब है कैसे मान रहे हो? That's why I'm asking. इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे रिलीजन पे डिस्कशन करने नहीं आया हूँ। आप लोग सुन ले ना, अम्ब लेने आया है। फेल। सुनो, सुन लो मेरे। फेल कितने को लगता है, कितनी को? हमारे एडम साहब बोलते ना, कितनी को लगता है कि ये यूपीएससी एस्पायरेंट या जो भी वर्ड बोलते हैं ये फेल हो चुका है। एंड ही इज नॉट फिट फॉर यूपीएससी। फेल, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये वो तो फेल यूपीएससी जज कर लेगा ना, वो तो यूपीएससी जज कर लेगा। मेरे को बस पूछने तो दे, अगर मतलब इसका तेरे पास कोई जवाब नहीं है। No, I don't have any answer for that. Yeah. So, do you agree के आप एक अंधविश्वासी हो? तू मेरे ये तीन क्वेश्चंस का जवाब दे दे। Unless and until, सुन। हाँ। अभी इस पे लिख देता हूँ। I got your motto, bro. मैं तुम्हारे motto समझ गया। सुन, मुबन, please, मेरे प्यारे भाई। Unless and until, या तो आप ये मानो कि आप अंधविश्वासी हो, या फिर आपको प्रूव करना है कि आप इस किताब को कैसे खुदा की किताब मान रहे हैं। ये दो चीज में से एक चीज अगर आप नहीं करेंगे आपको मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा, एंड यू विल लूज द चांस ऑफ आस्किंग दैट थ्री डेडली क्वेश्चंस टू मी। दिस इज द लास्ट चांस, बिकॉज मैं एक ही चीज में बार 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 मैं okay, नहीं आप I got you. Can you just shut your mouth for a while? क्या आप अंधविश्वासी है? सुन लो मेरे बात, मैं बोल क्या रहा हूँ आप अंधविश्वासी है? बोल रहा हूँ मेरे भाई, बोल रहा हूँ। जब तुम लाइव में बोलते हो ना रंडी रोना, बेटी दे दो, न्यूडिटी, तब साले तुम लोग जाहिल होते हो। अगर लड़की को सेम इज्जत देना है ना तो इन रंडी रोना रंडी ये चीजें बोला मत करो लाइफ में, गिव देम इक्वल रिस्पेक्ट, समझ रहे हो? क्या आप लड़की आई थी अंधविश्वासी है? उसको, अरे रंडी रोना बोलना बंद करो मेरे भाई लाइफ में। अगर सबको विक्टिम रिस्पेक्ट कार्ड, देना है, क्या गिव देम इक्वल रिस्पेक्ट। क्या अंधविश्वासी है आप? भाई मेरे यही तीन क्वेश्चन है, तेरे बाप का दम तो जवाब देके दिखा। अंधविश्वासी है चैलेंज आप? यू गाइस आर जस्ट हियर टू जा किक करो यार, कर दिया मैंने। गाइस जस्ट इमेजिन, एक यूपीएससी की पढ़ाई करने वाला और उसमें ट्राई करने वाला बंदा, इसके जहन का ये हाल है
इसने ना कभी किताब पढ़ी ना गौरव फिक्र किया, लेकिन इसका दावा कितना मजबूत है कि ये खुदा की तरफ से किताब है। ये इस्लाम मुसलमानों के जहन के साथ करता है, बिल्कुल उसको ठुल्ला बना देता है जहन से, अपंग बना देता है।